नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप हैं इस समय हेमंत बघेल क्लासेस में। हमारा आज का विषय है 16 संस्कार। संस्कारों का भारतीय समाज में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कार जो कि धर्म से संबंधित हैं, हाँ धर्म संबंधी विभिन्न पद्धतियां हैं। अगर हम कहा जाए कि संस्कार होता क्या है, इसको परिभाषित किया जाए, तो इसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि धर्म पर आधारित जिन पद्धतियों के द्वारा मनुष्य के जीवन को परिशुद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है, वही संस्कार हैं। अर्थात कि धर्म की पद्धतियों के द्वारा, धर्म के मतलब विभिन्न पद्धतियों, जो पूजा पाठ की जैसी रीतियां होती है उसी तरह, हाँ, तो उनके द्वारा मनुष्य के जीवन को परिशुद्ध करने का प्रयत्न करना ही संस्कार है। भारतीय समाज में इन संस्कारों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, प्राचीन काल से रहा है और वर्तमान समय में भी बना हुआ है। भले इसकी कई पद्धतियां आज पद्धतियों का निर्वहन नहीं किया जा रहा हो, लेकिन बहुत सी पद्धतियां आज भी बनी हुई हैं, चाहे इनका रूप ही क्यों न बदल गया हो। ये जो संस्कार हैं, ये भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें वर्णित हैं, विशेष करके मनु स्मृति, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। और जिन 16 संस्कार का सर्वाधिक महत्व है, उनका वर्णन गृह सूत्रों से प्राप्त होता है। गृह सूत्र जो कि एक प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ है, उसमें 16 संस्कारों का वर्णन है। तो आज हम इन्हीं संस्कारों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार शिशु के गर्भस्थ होने पर किया जाता है, जब मतलब गर्भधारण गर्भावस्था होता है उस समय किया जाता है। हाँ, गर्भाधान संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि उत्तम संतान की प्राप्ति हो, अर्थात उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु गर्भाधान संस्कार किया जाता है। इसके बाद अगला संस्कार है पुंसवन। यह संस्कार पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता है, पुत्र प्राप्ति हेतु पुंसवन संस्कार। उस बाद अगला संस्कार है तीसरा संस्कार सीमांतोचयन। यह संस्कार गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा हेतु किया जाता है। गर्भधारण के चतुर्थ मास में पति पत्नी के केशों को संवारता है इस संस्कार में। तो ये कौन सा संस्कार है? सीमांतोचयन। अब याद रखिए कि ये जो तीन संस्कार हैं, प्रारंभ के तीन संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोचयन, ये तीनों संस्कार जो है शिशु के गर्भावस्था के समय किया जाता है, अर्थात कि शिशु जन्म नहीं लिया होता है उससे पहले किया जाता है गर्भावस्था के समय। अगला चौथा संस्कार है जात कर्म। जब शिशु का जन्म होता है उसके बाद यह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार नाभि छेदन के पहले किया जाता होता है। इस संस्कार में क्या होता है, नवजन्मे शिशु को उसका पिता 3 बार सूंघता है और सोने की सलाका से उसे शहद, घी अथवा मक्खन, इन तीनों वस्तुओं में से कोई एक चीज चटाता है। सोने की सलाका अर्थात चम्मच। तो ये क्या है? जात कर्म। इसके बाद अगला संस्कार है पांचवा संस्कार नामकरण। नामकरण संस्कार, इसमें शिशु का नाम रखा जाता है। ये संस्कार जन्म के 10 से 12 दिन के अंदर किया जाना लिखा गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। इसके बाद छठवां संस्कार है निष्कर्मण। तो निष्कर्मण संस्कार, इसका मतलब होता है शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालना। यह संस्कार कब किया जाता है? जब शिशु 4 मास का होता है, यानी 4 माह का जब शिशु हो जाता है तब उसे पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, शिशु का पिता शिशु को पहली बार सूर्य के दर्शन करवाता है। अर्थात की मतलब वो घर से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले किसका दर्शन करेगा? सूर्य का। कौन करवाता है? पिता। इसके बाद अगला संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, जब शिशु 6 माह का हो जाता है तब शिशु को पहली बार अन्न ग्रहण करवाया जाता है, अर्थात की भोजन करवाया जाता है, अन्न, हाँ, एक दान खिला दिया जाता होगा। तो ये क्या है? अन्नप्राशन। इसके बाद अगला संस्कार है चूड़ाकरण, हाँ, जिसे केशो छेदन भी कहा जाता है। ये जब शिशु 3 वर्ष का हो जाता है उस समय किया जाता है। इसके बाद अगला संस्कार है कर्ण छेदन, अर्थात की कान को छेदना। जब बालक अथवा शिशु, जो भी कहले, क्योंकि अब तो बालक हो गया है, 3 वर्ष हो गया, हमने पहले संस्कार में देखा, तो जब बालक 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है तो इस बीच उसका कर्ण छेदन किया जाता है, हाँ, जिसमें कानों में जो बालियां कुंडल वगैरह जो पहनते हैं उसके लिए।
अगला संस्कार है विद्यारंभ अर्थात अथवा पट्टी पूजन, विद्यारंभ या पट्टी पूजन। इसमें क्या होता है, जब बालक 3 वर्ष या 5 वर्ष या 8 वर्ष, इन तीनों वर्षों में से किसी एक वर्ष में किया जा सकता है, 3 वर्ष में भी किया जा सकता है, 5वीं भी 8वीं भी। इसमें क्या होता है, बालक को पहली बार उसका हाथ पकड़कर स्लेट हाँ पट्टिका में ओम लिखवाया जाता है, और इसके बाद जब ओम लिख लेता है हाथ पकड़ के लिखवाया जाता है, वो खुद से नहीं लिखता है, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना लिखना, तो वैसे ही बालक का हाथ पकड़कर पट्टिका में ओम लिखवाया जाता है। उसके बाद माना जाता है कि अब बालक विद्या अर्जन के लिए तैयार है, मतलब विद्या अर्जन करने के योग्य हो गया है। इसके बाद अगला संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें क्या होता है, बालक को यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है, और बालक जब यज्ञोपवीत धारण कर लेता है तो उसका उपनयन संस्कार हो जाता है। तो इसके बाद ही बालक गुरु के आश्रम में अर्थात गुरु के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होता है, अर्थात इसके बाद उसका उपनयन संस्कार हो जाता है, यज्ञोपवीत धारण कर लेता है, तब बालक अपने गुरु के साथ उसके आश्रम में जाकर वहां रहकर विद्या प्राप्त कर सकता है, करने के योग्य हो जाता है। इसके बाद अगला संस्कार है वेदारंभ। वेदारंभ अर्थात कि वेदों का अध्ययन करने का प्रारंभ करना, इस संस्कार में वेदों को पठन पाठन शुरू किया जाता है, तो उसे कहते हैं वेदारंभ। इसके बाद अगला संस्कार है केशांत अथवा गोदा। जब बालक अथवा विद्यार्थी 16 वर्ष का होता है तब वह अपने केस कटवाकर, हाँ उस समय बाल बड़े होते हैं, केस कटवाकर अपने गुरु को गाय का दान करता है, गाय का दान अर्थात गोदान, गाय का दान करता है, तो ये क्या है, केशांत अथवा गोदान। इसके बाद अगला संस्कार है समावर्तन। जब विद्यार्थी वेदों का पठन पाठन पूर्ण कर लेता है, वेदों का पूर्णतः अध्ययन कर लेता है, सारा विद्या का अर्जन कर लेता है, सब कुछ पढ़ लेता है, और अपने गुरु को दान भी कर देता है, दक्षिणा भी दे देता है, तब क्या होता है, गुरु उसको स्नातक की उपाधि प्रदान करता है, और वह स्नातक की उपाधि प्रदान प्राप्त कर जो विद्यार्थी अपने घर को लौट जाता है, तो इसे कहते हैं समावर्तन, अर्थात उसका सारा शिक्षा पूर्ण हो गया, सब कुछ उसने सीख लिया, वेदों का पठन पाठन पढ़ लिया, वेदों का हाँ सारा कुछ प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, वेदों में जो ज्ञान है उसे प्राप्त कर लिया, उसके बाद गुरु दक्षिणा वक्षिणा देकर देने के पश्चात उसको गुरु द्वारा क्या प्राप्त होता है, स्नातक की उपाधि, जिसे आजकल क्या कहा जाता है, ग्रेजुएशन। तो बालक को विद्यार्थी जब ग्रेजुएट हो जाता है तब घर वापस आता है, तो उसे वह कौन सा संस्कार है, समावर्तन। इसके बाद अगला संस्कार है विवाह संस्कार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। जब बालक अपना विद्या पूरा समाप्त करके घर आ जाता है तो उसका विवाह किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति विवाहित है उसे ही यज्ञ करने का अधिकार है, तो ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, आज भी है विवाह संस्कार। हाँ प्राचीन समय में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख है, इनका मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा विवाह के प्रकार। तो अब अगला संस्कार देखते हैं, अंत्येष्टि संस्कार, जो कि सबसे आखिरी संस्कार है, 16वां संस्कार है, इसीलिए इसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। ये कब किया जाता है, मनुष्य के मृत्यु के पश्चात, और यह संस्कार मनुष्य स्वयं न करके उसका पुत्र करता है, क्योंकि मनुष्य तो मर चुका है, तो इस बार कौन करेगा, मनुष्य का पुत्र, ये अंतिम संस्कार होता है, इसलिए इसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। तो ये थे 16 संस्कार जो कि भारतीय समाज में प्राचीन काल में विद्यमान थे, हाँ आज भी यदा कदा विद्यमान है, भले उनका रूप परिवर्तित हो गया हो, भले वो उसका पूरी तरह से निर्वाहन न करते हो, फिर भी वे यदा कदा उनका निर्वाहन करते ही हैं। अब इनसे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे 16 संस्कार का वर्णन कहाँ पर है, तो मैं पहले ही बताया गृह सूत्र में है। वैसे ज्यादा तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो पीएससी यूपीएससी जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें पूछा जाता है, और जो एसएससी सीजीएल में भी कभी कभार देखने को मिल ही जाता है, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि गृह सूत्र में इनका वर्णन है। उसके बाद अगला आपको याद रखना है कि जो प्रारंभ के 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोचयन, ये शिशु के गर्भावस्था के समय किया जाता है, और 16वां संस्कार अर्थात अंत्येष्टि संस्कार
ये मनुष्य के मृत्यु के पश्चात किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण संस्कार उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो है शूद्रों के अलावा बाकी तीनों वर्णों को इसको करने का अधिकार था, अर्थात कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन वर्ण उपनयन संस्कार कर सकते थे और शूद्र जो है उसको उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। मैं वर्ण व्यवस्था पर भी आप लोगों को जानकारी दे दूंगा, आगे वीडियो बना दूंगा। तो ये थे 16 संस्कार। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।